दुनिया भर के खेल के मैदानों पर इन दिनों वायरस का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में फुटबॉल बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के बाद अब क्रिकेटर भी इसकी चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बड़े खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन का वायरस टेस्ट किया गया है। अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम के बाकी खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए रिचर्डसन को टीम से बाहर कर दिया है। वो आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच नहीं खेल रहे हैं। खबरों के मुताबिक केन रिचर्डसन को साउथ अफ्रीका के दौरे से वापस आने के बाद गले में दर्द और खराश हो रही थी, जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया है। रिचर्डसन को तुरंत ही न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। रिचर्डसन फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ ने कहा कि हमारा मेडिकल स्टाफ फिलहाल उनका इलाज कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें टीम से और बाकी सभी लोगों से अलग कर दिया गया है। एक बार रिचर्डसन को टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद अगर सब सही रहता है तो वो फिर से टीम से जुड़ सकते हैं। इससे पहले ये फैसला किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के सभी मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। जिन फैंस ने मैच के टिकट खरीदे थे, उन सभी फैंस को पैसे वापस किए जाएंगे। आपको बता दें कि रिचर्डसन का ये टेस्ट साउथ अफ्रीका के दौरे से वापस आने के बाद हुआ है। अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम फिलहाल भारत के दौरे पर आई हुई है। बता दें कि भारत में भी वायरस को देखते हुए बड़े फैसले लिए गए हैं। धर्मशाला के बाद भारत साउथ अफ्रीका सीरीज के बचे हुए दो वनडे मैचों को खाली स्टेडियम में कराने का फैसला लिया गया है। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।